leads to question number 11th of exercise 13b, that is trigonometric identities. Question number 11th is sin theta plus cos theta. Sin theta plus cos theta equals to root 2 cos theta. Cos theta के इक्वल है, तो हमें क्या शो करना है कि cot theta जो है वो root 2 plus 1 के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें cot theta लाना है, तो हम क्या करेंगे इस पूरी cot theta, हमें पता है कि cot theta होता है cos theta अपॉन sin theta, राइट। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे sin theta से डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग above equation by sin theta, right? तो ये क्या आ गया sin theta अपॉन sin theta। जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं अपनी तरफ से तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड करते हैं, इसी तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों करते हैं, राइट। प्लस cos theta अपॉन cos sin theta इक्वल्स टू रूट 2 cos theta अपॉन sin theta। तो ये क्या आ गया, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस cot theta इक्वल्स टू रूट 2 cot theta। अब cot theta की वैल्यूज एक साइड, तो 1 इक्वल्स टू रूट 2 cot theta माइनस 1 माइनस cot theta, सॉरी। तो ये क्या आ गया 1 इक्वल्स टू कॉट थीटा कॉमन आया, तो ये आया रूट 2 माइनस 1। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 आ गई। अब जब भी नीचे रूट होता है तो हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। रैशनलाइज इससे करते थे इसके ऑपोजिट साइन से, तो हमने किया रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये क्या आ गया रूट 2 प्लस 1 ऊपर और नीचे क्या आ गया रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यह आया रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा क्या आ गया रूट 2 प्लस 1। यही प्रूव करना था। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.